नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलकर प्रधानमंत्री को नामित 13 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंप कर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाए, क्योंकि श्री भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा सभी वर्ग के लोग करते हैं। भगवान विश्वकर्मा विश्वव्यापी एवं पूरे ब्रह्मांड में एक है, जिनका पूरे देश एवं संसार में प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को पूजन दिवस के रूप में जाता है। इसलिए राष्ट्रीय अवकाश समाज के सभी वर्गों के हित में होगा एवं छुट्टी घोषित की जाए। आगे हम आपको सुनाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने क्या कहा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हम शिवमोहन शिल्पकार, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या मामला है, क्या जानकारी? यह भगवान विश्वकर्मा जी के राष्ट्रीय अवकाश के संदर्भ में और भगवान विश्वकर्मा के वंशजों के विकास के पथ के लिए, साथ ही साथ गोरखपुर के अंदर चंदन विश्वकर्मा एवं सौरभ विश्वकर्मा के साथ जो है मांग पत्र को लेकर, अपने मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करने पर पुलिसिया उत्पीड़न के संदर्भ में, साथ ही सामाजिक न्याय के ताना बाना बुनने वालों के प्रति जिस प्रकार से कहीं न कहीं दंडात्मक रवैया अपना रहे हैं प्रशासन के लोग, उससे बाज आए, उसी संदर्भ में सब 13 सूत्री मांग पत्र लेकर। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कानून व्यवस्था फेल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ खामोशी छा जाती है वहीं जालिम आ जाता है, तो जालिम जब आता है तो उतना जुल्म सहने वाला भी दोषी होता है, जालिम भी दोषी होता है। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी सत्ता में है, गठबंधन है, फिर भी आप लोग हमेशा मांग पत्र मांगना पड़ रहा है, समाज की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, क्या सत्ता में सभी तो सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो व्यवस्थापक बैठे हुए हैं, आईएएस आईपीएस स्तर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, नीचे जड़ों से जो बैठे कानपुर राजस्व निरीक्षक आदि लोग जो बैठे हैं, जो व्यवस्थाओं को दूषित कर रहे हैं, उनके प्रति तो परिवर्तन नहीं हो पाता है। इसलिए हर सरकारें जो आती हैं और कहीं ना कहीं बदनाम हो जाती हैं, और व्यवस्थापक कभी इनके चोले में कभी उनके चोले में चला जाता है। आगे इसी माह के अंत से एक बड़ा जनसंपर्क जन आंदोलन चालू किया जाएगा, यह पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारतवर्ष में चलेगा, ताकि समाज को जगाया जाएगा, आम आदमी को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी हमको लगता है कि देश में कम है, इस नाते अभी तक एक खामोशी छाई हुई।